आज मैं अपनी डोमिनार बेबी के साथ ऑफिस जा रही हूँ। बेचारी बहुत टाइम हो गया था इसे खड़े खड़े घर में, शोर कर रही है, गुस्से में है पूरी। लॉकडाउन की वजह से कहीं राइड पे भी नहीं जाना हो पा रहा है। आई नो सेम सिचुएशन ऑल राइडर्स के साथ होगी ये, सो प्लीज़ मुझे शेयर करके बताइए कि आप लोग ड्यूरिंग लॉकडाउन अपना टाइम कैसे पास कर रहे हैं, कौन कितना पागल हो रहा है घर में बैठकर, बताइए ज़रूर। अकॉर्डिंग टू KTM एडवेंचर 390 डोमिनार बेबी हैवी है काफ़ी, अराउंड 20-25 kg वेट इसका ज़्यादा है। ट्रैफिक में अगर आप स्टक हो जाते हैं डोमिनार पे थोड़ा ज़्यादा फील होता है, हीट काफ़ी ज़्यादा निकलती है। हीट वैसे दोनों बाइक्स में ही ज़्यादा निकलती है, बट डोमिनार पे अगर कोई पीछे बैठा होगा तो उसकी टांगे भी थोड़ी सी जलने को तैयार हो जाती है। बट ऐसा सीन आपके उस पर नहीं है KTM पर, क्योंकि उसकी बैक सीट की हाइट भी ज़्यादा है तो हीट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, सिर्फ जो राइड कर रहा है उसी की टांगे चलेंगी। लॉकडाउन होने में भी लोग ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करना पसंद कर रहे हैं अब तो, बल्कि और भी ज़्यादा फ्री समझते हैं अपने आप को। लोग ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ये आंटी जी देखिए, आंटी जी रोड क्रॉस करके ही चल लो। बजाज की बाइक्स को लोग इतना अच्छा नहीं समझते हैं, डोमिनार बजाज वालों की बाइक है, बट मैं इसको 10 में से 8 मार्क्स ज़रूर दूंगी। चलो भाई गार्डन में आए हो क्या, फ़ोन चलाते हैं ड्यूरिंग ड्राइव, फ़ोन चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी थोड़ा रोक लिया था मुझे पुलिस वालों ने, मैडम आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है ना लॉकडाउन है, बट उनको पता नहीं है ना कि इस पापी पेट को पालने के लिए हमें ऑफिस जाना ही जाना पड़ेगा। ये देखिए बैरियर लगे हुए हैं, पुलिस चेकिंग चल रही है। सर आप कहाँ जा रहे हैं, I don't know. चल भाई क्या पीछे पलट पलट के देख रहा है, क्या मुझे भी पकड़वाएगा अपने साथ। लॉकडाउन की वजह से ये सारे रोड्स ट्रैफिक फ्री हो गए हैं, अदरवाइज इस टाइम पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। भाई निकाल ही लेता इतनी देर में, हेलमेट नहीं पहनना होता है, हेलमेट मत पहनो। भाई मैं बैक व्यू मिरर दिए होते हैं आपकी बाइक में, आप उनको देख सकते हैं, पीछे पलट के देखने का क्या मतलब होता है। चलिए ऑफिस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। आंटी जी निकाल ले इसको, माय बेबी माय क्यूटी पाई। चलिए घर चलते हैं वापस, दो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। सर बीच में ऐसे बाप का रोड समझ के खड़े हो जाते हैं। डोमिनार में क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते हैं आप, वाओ यार। राइड करे हुए इतना दिन हो गया है, पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, कैसे जिएंगे हम। फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत हो रखे हैं इस टाइम तो, ज़्यादा ही टशन दिखा रहा है ये टेम्पो वाला। मेरी हॉक बेबी में
पावर कट ऑफ का बहुत इशू आ रहा है. आई मीन जब से उसकी फर्स्ट सर्विस करवाई है उसके बाद से तो ये इशू चलते चलते इतना बंद हो जाती है एकदम से, पता ही नहीं चलता है कई बार तो. बट डोमिनार में ऐसी कोई इशू नहीं है, 2.5-3 साल में अब तक कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है कि चलते चलते पावर कट ऑफ हो गया इसका. आप खाली पावर को लेकर भी क्या करोगे जब उसके अदर प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो. ऐसे ऐसे क्या लोग होते हैं कि बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट राइट टर्न कर लेंगे. आप सब लोग भी बस यही सोचेंगे कि इसको तो हर वीडियो में यही कंप्लेंट रहती है, बट कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ, एक्चुअल फैक्ट है. पब्लिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही पसंद नहीं करती है. बिना हेलमेट के दो लंगूर. वैसे पर्सनली ऑल राइडर्स से मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करना चाहूँगी कि इन केस बिसाइड्स राइडिंग, अगर आप लोग सब्जी भाजी लेने जा रहे हैं मार्केट में या फिर कुछ भी छोटा मोटा सामान लेने भी जा रहे हैं नियर बाय किसी भी मार्केट में, तो आप नॉर्मली हेलमेट लेकर चलना पसंद करेंगे या फिर विदाउट हेलमेट? प्लीज़ अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में. बक्सा कहाँ गया? मैंने कहा बेटा आज बाइक भी तो अलग है. नॉर्मली मैं अपनी एडवेंचर ऑफिस लेकर जाती हूँ बिकॉज उसमें टॉप बॉक्स है और उसमें मेरे लैपटॉप बैग एंड अदर एसेसरीज आ जाती है. तो डोमिनार के ऊपर हमने टेल लगवाई हुई है, लाइक आप टेल बैग वगैरह बांध कर अगर ट्रैवलिंग वगैरह करना पसंद कर रहे हैं तो टेल लगवाई हुई है उसके लिए. अब से आप बोलेंगे हेलमेट की जगह मास्क जिंदाबाद. हेलमेट आपकी सिक्योरिटी नहीं करेगा, आपकी सेफ्टी नहीं करेगा, मास्क आपकी सेफ्टी करेगा. ये किसका वेट कर रहा है भाई, किसी का एक्सीडेंट करवाने का है क्या? ऐसे ध्यान लगाकर खड़ा था कि बस बैड एस आए एकदम से मैं भागूं और टकरा दूं उसके बाइक में. उसका गुस्से वाला फेस देख के तो ऐसे ही लग रहा था, कुछ कुछ फील आ रहा था मुझे. सो मिलते हैं जल्दी अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच आप लोगों की सबकी लविंग और हो सकता है दुश्मन भी. बैड एस टेलिटो द राइडर गर्ल. थैंक यू.